अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है रीओपनिंग को लेके, एएमयू की जो रीओपनिंग होनी थी वो तो सबको पता है कि फेज़ मैनर में रीओपन होगी। जैसे जामिया ने नोटिस डाला सबसे पहले कि पहले हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर फेज़ मैनर जो है यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो सेम मैनर में एएमयू ने भी करा है। और 16 को मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, और उसमें डिसाइड करा गया कि फेज़ मैनर्स में यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। फेज़ मैनर में सबसे पहले क्या खुलता है, उसके बाद क्या खुलेगा और उसके बाद क्या खुलेगा, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों में परेशानी तो नहीं कहेंगे, मतलब कि नहीं पता होने की वजह से थोड़ा सा बेचैनी सी है, मतलब कि कब खुलेगी यूनिवर्सिटी, कब। इसको लेके प्रोटेस्ट भी हुआ था काफ़ी बार। यहाँ पे एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं आया है मीटिंग को लेके, लेकिन एक न्यूज़पेपर में आया है कि एएमयू जो जिस फेज़ मैनर में खुलेगी वो किस तरह की फेज़ मैनर होगी। तो मैं आपको पहले न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ, ये रहा, देखिए ये रहा न्यूज़पेपर। तो 1 मार्च से 5 चरणों में खुलेगी एएमयू। तो यहाँ है एएमयू की मतलब ये नोटिस। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें लिखा क्या हुआ है, कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ समवन गोज़ वेल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओपन इन 5 फेज़, मतलब 1 मार्च से जो है ओपन होना स्टार्ट होगी। और दिस हैज़ बिन डिसाइडेड इन द 12th मेंबर कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन वेडनेसडे। मतलब ये जो मीटिंग हुई थी वेडनेसडे को, मतलब उसमें डिसाइड करा गया है कि कैसे जो है ओपन करा जाएगा। तो ओपन तो होगा फाइव वे में, ये तो सबको समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्या खुलेगा, 1 मार्च को जो है, हाँ 1 मार्च को रीडिंग रूम मतलब लाइब्रेरी खुलेगी हमारी, और ऑनलाइन क्लासेस विल बी क्लोज फ्रॉम 24th मार्च। ऑनलाइन क्लासेस आर क्लोज इन एएमयू फ्रॉम 24th मार्च 2020। ऑफलाइन क्लास जो है मतलब कि बंद थी एएमयू की कब से, 24th ऑफ मार्च से, तो 2020 के 24 मार्च से एएमयू जो है बंद थी एक तरह से, ये कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये खुलेगी सबसे पहले 1 मार्च को, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 मार्च को खुलेगी हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 1 मार्च को मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी खुलेगी। और उसके बाद जो है यहाँ 3 मार्च को जो है, 3 मार्च को जो है क्लास टेंथ खुलेगा 3 मार्च को, और 5 मार्च को 12th, ठीक है, 5 मार्च को 12th खुलेगा, 5 मार्च को 12th, 3 मार्च को 10th, और पीएचडी की जो क्लासेस होंगी वो 7 मार्च से स्टूडेंट ऑफ 5th फेज, और 15 मार्च फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड फाइनेंस ऑफिसर, ये 15 मार्च से जो है मतलब कि बाकी सारे मतलब 5th फेज़ में ये खुलेगी। 7 मार्च से जो है पीएचडी स्टूडेंट को, और 5 मार्च से जो है 5th फेज़ ऑफ फ्रॉम 15 मार्च फाइनल ईयर स्टूडेंट, और बाकी जो है चीज़ बच गई उनका अभी तक कोई ये नहीं है, मतलब यूजी का कोई ये नहीं है अभी, मतलब सिर्फ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट का है कि मतलब 5th मार्च से 15 मार्च से खुलेगी, बाकी यूजी के 1st ईयर और 2nd ईयर के बारे में इस न्यूज़पेपर में कुछ लिखा नहीं हुआ है। सिंपली लिखा हुआ है कि मतलब 1 मार्च से आपकी लाइब्रेरी सारी सब बच्चों के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएगी, और तो 3 मार्च को है 10th क्लास खुलेगा, 5 मार्च को 12th क्लास खुलेगा, और उसके बाद जो है 15 मार्च को बाकी सब खुल जाएगा, और लगभग ये मान के चलते हैं कि 30 मार्च तक जो है सब कुछ खुल जाएगा, 30 मार्च तक, अप्रैल के 1st वीक तक। और यहाँ लाइब्रेरी में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्या कमेटी इज अंडर कमिटेड द लीडरशिप ऑफ, यहाँ से नहीं, इन यहाँ देयर वॉज ओपनिंग ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट बट नॉट अलाउड टू, हाँ एट प्रेजेंट द लाइब्रेरी इज़ ओपन बट स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू स्टडी इन रीडिंग रूम। अभी जो है, अभी एट प्रेजेंट द लाइब्रेरी इज़ ओपन, मतलब अभी लाइब्रेरी खुली हुई है। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि लाइब्रेरी खुली हुई है कि नहीं, लाइब्रेरी खुली हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सिट ओवर देयर, मतलब ये है कि स्टूडेंट को वहाँ बैठ के पढ़ने की परमिशन नहीं है। तो अब जो है इंशाल्लाह 1 मार्च से जो है वो परमिशन भी मिल जाएगी। और दूसरी बात जो है कि 1st ईयर के बच्चे कम ही उम्मीद रखें कि उनकी क्लासेस अभी ऑफलाइन होंगी, क्योंकि जब तक आपका 1st सेम नहीं हो जाता तब तक जो है कोई चांस नहीं है कि आपकी जो है ऑफलाइन होंगी। होंगी भी तो अभी फ़िलहाल अगर कर देती है, अगर इस नोटिस के अलावा भी अगर कोई एमयू नोटिस दे देती है तो
तो वो सेकेंड ईयर के लिए होगा मेनली और लास्ट ईयर के लिए होगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों की अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये एकदम फिक्स है इंशाल्लाह 100%। तो कोई चांस नहीं है फर्स्ट ईयर वाले को फर्स्ट सेमेस्टर से पहले। सेकेंड सेमेस्टर आपका, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 5 अप्रैल तक है, 5 अप्रैल से है लगभग, तो मतलब 5 अप्रैल को ख़त्म है। तो ये है कि आपकी 6th या 7th अप्रैल से जो है सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड सेमेस्टर में आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।